उत्तर प्रदेश शहर के 25 जिलों में से एक मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में बीते 25 मई से आशा बहुओं की हड़ताल को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस के तिवारी ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, अगर आशा बहुएं हड़ताल खत्म नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 38 योजनाओं के तहत 1000 की आबादी में हाई स्कूल पास एक आशा बहुओं का चयन होता है, जिसका कार्य गर्भवती महिलाओं को 102 एम्बुलेंस से अस्पताल तक ले आने और प्रसूताओं को टीकाकरण सहित विभिन्न योजनाओं के लिए सभी आशा बहुओं को निर्धारित मानदंड दिया जाता है। इसके बावजूद आशा बहुएं झांसे में आकर आंदोलन कर रही हैं। अगर यह सभी आशा बहुएं आंदोलन खत्म नहीं करेंगी तो उच्च स्तरीय जांच करवाकर इन्हें बर्खास्त करके नई आशा बहुओं की नियुक्ति की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ एस के तिवारी ने बताया, आशा बहुओं को देखिए, हम सब ने बुला के समझाया, वो समझने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि उनकी मांगे सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर है और उन मांगों के बारे में अगर केवल एक जनपद उत्तर प्रदेश के 74-75 जनपदों में एक जनपद में ये लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जबकि इस समय JEE और टीकाकरण इसका प्रकोप है, उसमें जिस कार्य के लिए इनका इनके चुनाव किया गया था, इनको लगाया गया था, वो कार्य बहिष्कार कर रही हैं। तमाम ऐसी आशाएं हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं, जो काम नहीं करती, बस वो पद भरे हुए हैं। तो ऐसी आशाओं को हम पिछले 6 महीने का इनका रिकॉर्ड बनवा रहे हैं कि कितना इन्होंने डिलीवरी करवाई, कितना इम्यूनाइजेशन में मदद किया, कितना इन्होंने हमारे मिशन इंद्रधनुष में मदद किया, कितना आयुष्मान भारत में मदद किया। उस हिसाब से जो हमें ऐसी लगती है कि बस ऐसे बनी हुई है आशा और दूसरों को बरगलाना, विघ्न डालना वही कर रही है, उनको निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये एक आरोप है आशा बहुओं को जो उनका कि आपसे कोई वार्ता नहीं होती है, तो क्या संबंध हमसे बुला के वार्ता किया था सर आपने? नहीं, मैंने इनको बुलवाया था, इन्होंने स्टेट फॉरवर्ड मना, एक बार ये लोग स्वयं आई थी तो उस दिन हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे थे, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी जी। तो मैंने अपने एडिशनल CMO को कहा कि क्योंकि ये लोग मिलने आई हैं, इनका प्रत्यावेदन ले लो, इनको हमारी, हमने उसको बताया कि हमारी ये बातें उनको कन्वे कर दो जी। तो उन्होंने प्रत्यावेदन ले लिया और ये लोग चली गई। दूसरे एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैंने इनको बुलवाया, ये कोई नहीं आई, बोली हम अब किसी से वार्ता नहीं करेंगे, सीधे मुख्यमंत्री से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नेक्स्ट डे आने वाले थे जी। तो माननीय मुख्यमंत्री नेक्स्ट डे आए तो इन लोगों ने रूट जाम किया, वो भी गलत किया। जब इनको कहा गया कि भाई आपको समय दिला दिया जाएगा आपकी बात करने के लिए, लेकिन ये लोग बड़ी मुश्किल से फिर वो मानी और सड़क जाम छूटा। अगले दिन मुख्यमंत्री के से मिली, मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही, जिलाधिकारी के माध्यम से यही बात कही गई कि भाई आपका पॉलिसी मैटर है, आप उसी गांव उसी विलेज की बहू हो, वहीं महिलाओं की सेवा और बच्चों के कार्यक्रम में आपको लगाया गया है, हर चीज का एक रेस्पेक्टेबल मानदेय दिया जाता है, जब ये बात ऐसी आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई इस पे डिसीजन हो जाएगा तब ये होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे 74 जिलों में कहीं नहीं कुछ हो रहा। अच्छा, ये केवल हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री का जनपद होने के नाते ये यहीं पे ज्यादा विघ्न क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह तो ठीक बात नहीं है। फिर हमने इनकी PSCs पे मीटिंग बुलाई, पहले मैंने MOICs को ब्रीफ किया, फिर PSCs पे मीटिंग बुलाई कि भाई आप लोग क्लस्टर्स में, छोटे छोटे क्लस्टर्स में आपके यहाँ अधीन काम करते हैं, आप उनको बताओ समझाओ। मीटिंग में आई लेकिन ना साइन किया ना इन्होंने कुछ सुनने की कोशिश की कि नहीं हम तो मरते दम तक ये हड़ताल ही करेंगे। तो अब आखिरी हमारे पास चारा क्या है? हमारे पास चारा यही है कि जो निकृष्ट है उनको निकालेंगे, नई भर्ती करेंगे, नए उत्साह से वो काम करेगी। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी आशा बहुएं आती हैं जो आपको लिखित रूप से किसी के बरगलाने पर, जैसा आप कह रहे हैं, वो अपना लिख करके देती हैं कि साहब हमसे गलती हो गई, तो क्या उनके प्रत्यावर्तन पर विचार करेंगे कि साहब स्टेट फॉर? बिल्कुल नहीं, अवश्य विचार करेंगे, अवश्य विचार। हमारा कोई मनसा ये नहीं कि हम किसी ढंग से इन्हें प्रताड़ित करें, सब गरीब उससे आई हैं, थोड़ा सा करती हैं महिलाओं की बच्चों की, और उनको मानदेय मिलता है, हम मानते हैं कि उनको मानदेय कम है,
लेकिन अगर हम आपको बता दें, अगर कोई आशा कायदे से काम करे महीने भर तो 7 से 8 हजार रुपए तक का मानदेय उसको मिल सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल। किस किस मांग में कैसे कैसे मिल सकता है? हर हर हमारे 38 मद ऐसे हैं जिसमें इनको पैसा मिलता है। दो चार में गिना दूं, डिलीवरी कराने पे 600 रुपया जो मिलता है वो मिलता ही है। इनको जितनी मीटिंग में आती हैं उसका 150 रुपया मिलता है, जो हम मीटिंग बुलाते हैं या MIC बुलाता है। जो ये ड्यू लिस्ट बनाती हैं कि हमारे एरिया में इतने बच्चे इम्यूनाइजेशन के लिए अगली डोज के लिए हैं, उसका 150 रुपया इनको, उसको अपडेट करने और बनाने का उसका 150 रुपया इनको दिया जाता है। यहाँ तक कि टीवी के मरीज खोल दें, लेप्रोसी के मरीज, खाली बता दें कि ये लेप्रोसी संभावित रोगी है, मोतियाबिंद का ला के ऑपरेशन करा दें, सबसे 100 रुपए 150 रुपए का मानदेय है, वो सब मिलता है। नसबंदी वगैरह का भी कुछ मिलता है क्या इनको? 600 रुपए बेसिकली फैक्ट को लोग नहीं जान रहे, केंद्र की योजना है उससे पोषित है ये। इसमें सर जो आपने बताया 7-8 हजार, तो ये जो इनकी जो पोस्टिंग है, तो आशा बहुओं की पोस्टिंग उन्हीं के गांव की ही रहने वाली है वो? बिल्कुल, 1000 की आबादी पर एक आशा बहु होती है। उसमें शर्त है चुनाव में कि वो 10वां पास हो, उसी गांव की बहु हो, बेटी भी ना हो, क्योंकि बेटी चली जाएगी बात। जी 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 जी, उसी गांव की बहु होनी चाहिए 1000 की आबादी के बीच की। जी, तो अब वो अपने ही गांव वालों के और वहां की महिलाओं की सब देख रेख के लिए हैं, उनको फिर बाद में ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदे 6 वीक्स की। जी जी, तो ट्रेनिंग में सारी चीजें बेसिकली बताई जाती हैं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, ड्यूटीज बताई जाती हैं, और फिर उनको फील्ड में दिया भेजा जाता है कि निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का भी 150 रुपये पर डे दिया जाता है, खाना पीना रहना भी फ्री, तो हर चीज में देते हैं। मतलब ये 8000 हमने ये कहा कि अगर कोई आशा अपनी सारे दायित्व तो ठीक ठीक निभा रही एक महीने तक, तो उसको 8000 तक की मानदेय मिल जाती है। इस समय सर कितना है? इस समय कितना है मानदेय? कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मानदेय मिलना ही मिलना है। वो यही तो मांग कर रही है, 18000 मुझे दिया ही जाए, चाहे हम काम करें चाहे नहीं। इनके हर काम का मानदेय, इन्होंने एक डिलीवरी कराई 100 रुपए इनके खाते में गया, दूसरी डिलीवरी ले आके करा के उसको ठीक से पहुंचा दिया, 600 रुपया फिर गया। तो इस तरह से महीने भर में अगर 4-5 ये डिलीवरी करा रही हैं, उसी तरह 3-4 मीटिंग अटेंड कर रही हैं, 2-3 गांव की ड्यू लिस्ट अपडेट कर रही, सब मिला के इनको 7-8 हो जाता है। तो एवरेज में कितना मिलता है मानदेय मिल जाता है इनको? ऑन एन एवरेज 6000 मिल जाता है, 6000 महीना। हाँ, सभी को मिल जाता है जो काम कर रहे हैं। और इनको सर ट्रांसफर की भी, ट्रांसफर भी नहीं होता उसी गांव में? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं इनको ट्रांसफर। सरकारी कर्मचारी का पूरा दर्जा थोड़ी ना इनको। नहीं, नहीं, तो आप इसका नहीं सर, रहना है उसी गांव में है, उसी गांव में आपको काम करना है, उसी गांव में ये करना है, फिर भी ये हर काम में, समाज सेवा में भी सर पैसा दे रही है सरकार। और सर ये नहीं, जब सरकार ने बनाया है ऐसा कि भाई अपना घर छोड़ के वो टेम्पो में बैठा के या 102 में बैठा के मरीजा को ला रही है, डिलीवरी करवा रही है, फिर 102 से ले जा रही है, तो ये जो सोशल वर्क कर रही है तो उसके लिए वो एक मानदेय है। अच्छा, सम्मानजनक मानदेय दिया जाता है भाई। वो है ना कि क्यों दिया जाएगा, अगर वो है कि रात को भी लेके आ रही है डिलीवरी कराने, इम्यूनाइजेशन वर्क में मदद कर रही, धूप में जा रही है, काम तो करना है, कई काम है इनको। अच्छा, अच्छा। और हाँ, और ANM इनकी इंचार्ज होती है, ANM इनके कार्य को वेरीफाई करती है। अच्छा, तो सर इसमें जैसे कि इन्होंने एक घोषणा किया है कि हम आंदोलन को उग्र करेंगे, तो इसमें सर आपका एक्शन क्या हो रहा है सर आगे? भाई ये उग्र करेंगी तो हमने कहा, तो हम क्योंकि अभी हमारे गोरखपुर में ही है, बहुत सब कुछ करने के बाद अगर ये नहीं शांत हो रही है तो हम यही कार्रवाई करेंगे कि भाई जो इनएक्टिव है हम नया प्रोसेस करके नए चुन लेंगे, वो जाएं, और जो ये कहती हैं कि नहीं मैं काम करूंगी, आ रही हैं, वो सब काम करें, कोई दिक्कत नहीं। ओके।